विचारधारा की लड़ाई अक्सर चुनावों में तेज हो जाती है, फिर विचारधारा हिंदुत्व की हो, लेफ्ट की हो या कांग्रेसी अपीजमेंट की। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए बाला साहेब ठाकरे के वैचारिक बल और योगदान को कोई नकार नहीं सकता। देखा जाए तो राज्य के राजनीतिक और वैचारिक परिपेक्ष्य में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अनदेखा करना मुश्किल है। रविवार 17 नवंबर तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने बाला साहेब के योगदान को महाराष्ट्र में दशकों तक इग्नोर किया, परंतु चुनावों का पेंच कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पर कुछ ऐसा लगा है कि बाला साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना ही पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने बाला साहेब को याद किया और उद्धव और आदित्य ठाकरे को संवेदनाएं दी। इसमें ट्विस्ट तब आया जब एक समय कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने पोस्ट कर बताया कि 12 साल पहले कांग्रेस में मौजूद कुछ तत्वों ने बाला साहेब के निधन पर राष्ट्रीय शोक मनाने नहीं दिया था। देवड़ा के अनुसार 2012 में बाला साहेब के देहांत के बाद सरकार के समक्ष उन्होंने राष्ट्रीय शोक का प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी किया था, परंतु पार्टी के अंतर्गत कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें ये मंजूर नहीं था। अब ये तत्व कौन से थे, इसे स्पेक्युलेट करना मुश्किल नहीं है। बाला साहेब की लेगेसी को लेकर तो जैसे महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों से युद्ध छिड़ गया है। दिवंगत नेता की कोई ऐसी बातें थी जिसका सम्मान उद्धव ठाकरे ने नहीं किया। परिवार नहीं, कार्यकर्ता को जपना, सत्ता के पहले हमेशा जनहित और हिंदू हित देखना तथा कभी कांग्रेस से गठबंधन न करना। मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। ये सब बाला साहिब के मूल मंत्र थे, जिस वजह से महाराष्ट्र की जनता उन्हें पूजती थी। अपने आप को आज भी हिंदुत्ववादी बताती हुई उद्धव सेना के पोस्टर से हिंदू हृदय सम्राट पूरे चुनाव प्रचार में गायब नजर आए, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाविकास अघाड़ी को चैलेंज भी किया था। अब राहुल गांधी ने बाला साहेब को याद तो कर लिया, लेकिन क्या ये बात उनके ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक को रास आएगी? देखना ये है कि देवड़ा के इस खुलासे को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। पर ये पॉपुलर ओपिनियन आवश्यक है कि सत्ता के लिए कांग्रेस और NCP के साथ समझौता करके उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता तो किया। आपका इस विषय पर क्या है विचार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।